हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन उसका हम लोग ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट डिस्कस कर लिया हमने। ये हमारे पास 3.4 है, 3.3 तक कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग इसमें जानेंगे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो हमें इनवर्स निकालना, मतलब ए मैट्रिक्स दिया है और हमें ए इनवर्स तो ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स, तो हमें ए मैट्रिक्स दिया है और उसे हमें उसका हमें इनवर्स निकालना है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इनवर्स पे ही है। एक्सरसाइज 3.4 में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इनवर्स पे ही है। तो इनवर्स है क्वेश्चन के साथ कैसे डील दिया जाता है उस पर थोड़ी बेसिक, और फिर मैं ये क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ताकि आप तो पहले में तो थोड़ा बहुत डाउट होगा, क्योंकि मैंने एज ए एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझा, लेकिन दूसरे से तो ये डाउट नहीं रहा, दूसरे क्वेश्चन से तो ये डाउट नहीं रहा, पहले तभी मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हुए आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा इनवर्स का कॉन्सेप्ट, और आप क्लियरली सारा बना पाएंगे हर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप करिए कि जब भी इन्वर्स दिया जाए तो जो भी मैट्रिक्स दिया गिवन है उसे आप लेट कर लीजिए ए, जो मैट्रिक्स गिवन है उसे मैट्रिक्स ए मान लीजिए। और हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स हमेशा ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। इसमें क्या करेंगे हम, तो ये जो ए मैट्रिक्स दिया है वो तो यहीं पर ऐसा था ऐसा ही नोट डाउन कर देंगे, हूबहू ऐसे नोट डाउन कर दें। अगर आप तो इन्वर्स मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक जानना है तो जैसे आप 5 सेकंड के अंदर इन्वर्स मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक निकाल लें, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप बोर्ड्स में एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाते डाल दिया है। क्लियर है, ए मैट्रिक्स मैंने नोट डाउन कर दिया ऐसे तैसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या डिफाइन कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके जगह पर क्या लेते हैं 1 0 0 1, और ये जो ए है ये ऐसे था ऐसे ही लिखते हैं, इस तो ओपन करते नहीं लिखते हैं, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे हमें ये जो मैट्रिक्स इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब क्या 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स बनाने से शुरू कैसे बनाना है, रॉ रो और कॉलम में एक्सचेंज कर करते हमें बनाना है। रो में तो चेंज कर दिया, कॉलम में तो चेंज कर दिया, रो तो -2 कर दिया, रो वन से तुझ मल्टीप्लाई करते, ऐसे करते हमें तुझ तरीके निकालते इसे चेंज करना है। हमें रो और कॉलम में चेंज करने करते मदद से हमें ऐसे करना है कि ये जो मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और उसके चक्कर में इसमें भी जो चेंज आएगा इसमें भी तुझ चेंज आएगा, यहाँ पे ए था ये रह जाएगा। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये तो ही मैट्रिक्स बना, जो यहाँ पे जो चेंज इस तो बनाने के चक्कर में जो चेंज यहाँ पे आया वो यहाँ है, और ए तो ए जो है ये हम इधर लेते चले जाएंगे, ए जो है उसे इधर मल्टीप्लाई करें, तो ए जब इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए जब इधर आएगा तो ये तो नीचे में आएगा 1/a में आएगा, मतलब ये जब ए इधर लेते जाएं जैसे आप लिखे हैं, मतलब 1/2 है और इधर 5s है, तो ये 5s जब इधर आता है तो यहाँ क्या आता है 1/2 × 5 = s, ऐसे ही आता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी i/a नीचे आ जाएगा जब मैं a यहाँ से हटाते यहाँ लाऊंगा, तो इस तो मैं लिख सकता हूँ i × आइडेंटिटी में a इनवर्स, और यहाँ पे जैसे जो मैट्रिक्स आया वो, ठीक है। अब मतलब देखिए 5 × 1, आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है वही 1 0 0 1, तो इसका क्या मतलब हुआ, आइडेंटिटी मतलब 1, इसका यही मतलब है, तो ये डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, इसका डिटरमिनेंट 1 ही आएगा, तो 5 × 1 क्या होता है 5, 7 × 1 क्या होता है 7, तो वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स, तो ये सिर्फ बन गया ए इनवर्स, और ये जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करता है ये हमारा असली आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होता है ए इनवर्स का, ये हमारा असली आंसर होता है ए इनवर्स था। उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर हुआ था। अब बात ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या था कि जो मैट्रिक्स दिया है उस तो ए ते इक्वल मान लो, तो हमने मान लिया ये जो मैट्रिक्स दिवन है वो ए ते इक्वल है। दूसरा था ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, ये होता ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, तो ए नोट डाउन यहाँ पे कर देते 1 - 1 2 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, मतलब ये जो है वो ऐसा हो जाना चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो 1 पहले से ही है। क्लियर है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पे 1 पहले से ही है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो हमारा हमेशा एम होता है कि सबसे 1 1 2 3 4 है, तो हमारा सबसे पहले एम होता है कि इसे 1 बनाओ, क्योंकि इसके मदद से अगर यहाँ पे 1 बन गया
तो ये में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो और इससे सबट्रैक्ट कर देंगे तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला एम होता है तो इसे 1 बनाओ, ये पोजीशन 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले से ही 1 दी भेल है, तो पहले से ही 1 दिया है तो हमारा वो टेंशन तो हट गया था, इसे 1 बनाओ। अब हमारा टेंशन ये है कि इस तो 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है और ये वापस से ये 1 होना चाहिए। तो इसे हम 0 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अगर देखिए आप अच्छे से देखिए, हमें रो 2 तो हमें चेंज करना है, रो 2 तो रो 1 तो हमारा क्लियर है, ये हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है। तो हमें रो 2 में यहाँ पे 0 करना है, ये तो 2 है, तो चेंज किस में करना है, हमें रो 2 में करना है। तो जिसे चेंज करना है वो लिखेंगे इक्वल टू रो 2, रो 2 में चेंज करना है माइनस किस से करना है, रो 1 से, तो रो 1। लेकिन 2 में से यहाँ पे तो रो 1 में सिर्फ 1 था, हमें डबल चाहिए तभी ना हो पाएगा। जो देखिए यहाँ पे रो 2 में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे रो 1 में सिर्फ 1 था, तो हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये हो गया 2 माइनस 2, अब ये 0 हो गया, अब हमें 0 हो गया और हमें वही चाहिए था, क्योंकि हमें तो बनाना है वही ना 1001 बनाना है। तो अब यहाँ पे ये 0 बन पाएगा, अब ये 0 बन जाएगा अच्छे से। तो हमारा एम अब सक्सेसफुली कम्प्लीट हो रहा है। तो हम लोग वही करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि R2 माइनस 2R1 करेंगे, क्लियर है? तो देखिए R1 तो ऐसे तो ऐसा ही रह जाएगा, R2 में चेंज होता है, जो पोजीशन यहाँ पे है और जो यहाँ पे है उसमें चेंज होता है, इसमें तो चेंज नहीं होता। तो R1 ऐसा था ऐसा ही रहेगा, R2 में चेंज होता, R2 में क्या चेंज होगा, R2 यहीं तक ऐसे था ऐसे नोट डाउन कर देंगे, -2R1। तो R1 क्या था यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर R1 क्या था, 1 था, और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई भी है तो 1 × 2 तो 2 हो गया, तो ये मतलब 0 आ गया, क्लियर है? अब सिमिलरली यहाँ पे 3 है, 3 के ऊपर क्या है, -1 लिखेंगे और इंटू जिससे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो -1 तो -ऑफ -1 हो जाएगा ना। तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, R2 माइनस 2R1 हम लोग कर रहे हैं ना, तो सबट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3 था, उसके बाद -9 × 2 और R1 के पोजीशन पे क्या था, -1, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है? तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास ये आया, क्लियर है? ये वैसे था, अब यहाँ पे भी तो हमें चेंज करना होगा, ये मैट्रिक्स में चेंज आया तो इस मैट्रिक्स में भी चेंज आएगा, इस मैट्रिक्स में भी चेंज आएगा। तो ये रो 1 तो ऐसे था ऐसे ही उतर जाएगा, रो 2 में क्या होगा, रो 2 में चेंज होगा, तो रो 2 यहाँ पे क्या था, 0 था, 0 माइनस 2R1, तो -2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस 2 × 0, तो ये फिर तो 1 ही हो जाएगा, क्लियर है? तो आप तो यहाँ इस मैट्रिक्स का ही पता चल गया कि -2 कैसे आया। उम्मीद करता हूँ आप तो डाउट क्लियर हो रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस ये किया है कि इसमें जो चेंज आया था वो इसमें भी तो चेंज होगा, इसमें हमने जैसे R2 माइनस 2R1 किया तो इसमें भी तो R2 माइनस 2R1 करना पड़ेगा, तो दोनों साइड हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन दिया है s² + 2 और 5s + 2, तो हमें इधर अगर हम 2 से ऐड कर रहे हैं तो इधर भी हमें 2 से ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये बैलेंस हो पाएगा। अगर ये पहले बैलेंस था, अगर इसमें हम फिर दो साइड ऐड कर दें तभी बैलेंस हो पाएगा, वरना इनबैलेंस हो जाएगा, तो हमें तो बैलेंस बनाते रखना है। तो हम ऐसे ही करेंगे, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप तो कोई डाउट नहीं हुआ होता, यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो गया होता आपका। तो पहला हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 माइनस 2R1, ये पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, इससे हमारा ये टर्म जो है वो 0 आ गया। अब दूसरा क्या करना है कि यहाँ पे 1 बनाना है हमें, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, मेन एम है ये 1001, मेन एम हमारा ये है 1001। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 1 पहले से ही है, बहुत अच्छी बात है। 2 हमारा सही है, 2 लाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रो 2 में चेंज करना है, क्योंकि ये रो 2 है, रो 2 तो अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रो 2 तो 5 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस 5 0 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया। तो अब हमारे पास ये 1 भी आ चुका है। सिमिलरली हमने उस साइड किया तो हमें इस साइड भी करना पड़ेगा, 1 0 माइनस 2 बाई 5 1 बाई 5, क्लियर है? अगर हमने इधर भी 5 से डिवाइड किया तो हमें इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना है,
ये माइनस वन है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो जीरो हम कैसे ले आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस वन कर देंगे, माइनस वन पहले से है ही, अगर हम इसे प्लस वन कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग रो वन में रो टू ऐड कर देते हैं, रो वन में, तो रो वन में चेंज करना है तो रो वन यहाँ लिखाएगा, रो वन में चेंज होगा और रो टू ऐसा था ऐसा ही रहेगा, एडिशन कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन था और यहाँ पे प्लस वन ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा। ये तो वन ऐसा था ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वन प्लस जीरो कर रहे हैं तो वो वन ही रह जाएगा, वन प्लस जीरो वो वन ही रह जाएगा। यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे ये वन है तो ये माइनस वन प्लस वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और ये तो ऐसे रो टू ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, रो टू तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। क्लियर है, आप तो दिख रहा है, मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, आप तो क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखिए वन प्लस जीरो तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये वन ऐसे ही नोट डाउन होता, तो माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो जाए। क्लियर। सिमिलरली इस साइड भी हम लोग करेंगे, वन माइनस टू बाई फाइव, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन पहले ही था, और जीरो प्लस वन बाई फाइव तो ये तो वन बाई फाइव ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइव इस तो सॉल्व करते हैं, तो ये फाइव नीचे हो गया, फाइव माइनस टू, तो फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव, फाइव माइनस टू क्या करेंगे, फाइव, फाइव माइनस टू बाई फाइव है तो ये हम क्या क्या करेंगे, थ्री बाई फाइव आएगा ना, तो यहाँ पे थ्री बाई फाइव लिख दिया, तो यहाँ पे थ्री बाई फाइव आ गया। थ्री बाई फाइव कैसे आया हुआ तो समझ में आया ना, मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे वन था, वन तो वन प्लस माइनस टू बाई फाइव एडिशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वन माइनस टू बाई फाइव तो ये था, एलसीएम ले लिया हमने तो फाइव ऊपर दिया, यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई हुआ और टू, तो फाइव माइनस टू कितना होगा, थ्री बाई फाइव होगा ना, तो वही थ्री बाई फाइव यहाँ पे आ गया। और रो टू जैसा था वैसे ही नोट डाउन हो जाएगा, रो टू में तो चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा यहाँ इंटू ए कर दिया, इंटू ए हो गया। क्लियर है, तो अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब वन, तो डिटरमिनेंट तो वन ही होता है, इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव, वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव और वन बाई फाइव इंटू ए। क्लियर है, यहाँ का क्लियर है। अब ये जो वन है ये मैं उधर लेते चला जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखिए मैं यहाँ से यहाँ लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ आप, तो सिमिलर ठीक है, ये यहाँ पे ए यहाँ था, कैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले भी समझाया था, फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए फाइव है, ठीक है, और यहाँ पे थ्री एस है, तो हम यहाँ जब ये थ्री एस है इस तो इस साइड से इस साइड लाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइव बाई थ्री इक्वल टू एस लिख देंगे ना, थ्री नीचे आया ना, तो सिमिलरली जब ए हम इधर लेते आ रहे हैं, इस पूरे तो एस मान लो और इस पूरे तो थ्री मान लो, तो जब ए मतलब ये इस ये पार्ट इस साइड आ रहा है तो ये नीचे आएगा ना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो नीचे आया ना, और ये मैट्रिक्स तो ऐसे था ऐसे ही लिख देंगे, वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव। क्लियर है यहाँ तक। अब ये वन बाई ए तो हम लोग लिख सकते हैं ना, वन बाई ए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और हमारा ए इनवर्स तली नोटेशन भी यही है, हमें पता ही है, तो हम वन बाई ए तो ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, वन बाई ए तो ए इनवर्स तो लिख सकते हैं, जैसे वन बाई एस तो हम लोग देखिए वन बाई एस तो हम लोग वन बाई एस तो एस इनवर्स लिख सकते हैं, तो वन बाई ए तो ए इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वन बाई ए तो जगह पे हम लोग ए इनवर्स लिख दिया। क्लियर है, तो हमारा ए इनवर्स तो आंसर आ गया, और यही हमारा इनवर्स है। ए था क्या इनवर्स है, तो ये है हमारा ए था इनवर्स, ए था इनवर्स हमें पता चल गया क्या है, थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव, थ्री बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव। क्लियर है, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया, कुछ हो सकता है कुछ बच्चे तो नहीं समझ में आया हो, तो आप मत घबराइए, दूसरे क्वेश्चन का इंतजार करिए, दूसरा क्वेश्चन जब खत्म होगा तो मैं गारंटी देता हूँ आप तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ डाउट्स रह जाते हैं पहले क्वेश्चन में बच्चे लोग के, दूसरे क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाते हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चन तो कम्प्लीट देते, उसके बाद तो डाउट रहेगा ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं हम लोग, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, उसके बाद हम लोग ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए करेंगे, ए मैट्रिक्स तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ था, पिछले क्वेश्चन में भी आप तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम तो ये मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स तो ऐसा बनाना है,
ये जो मैट्रिक्स है उसे ऐसे बनाना है, जैसे भी भले जैसे भी जो भी करना पड़े हमें, तो हमें पहले मैट्रिक्स जो है, ये जो मैट्रिक्स दिया है इस मैट्रिक्स, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये हमारा एम है, ये हमारा बेस एम है, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने अब तो सबसे पहले बताया था कि हमारा सबसे पहले मोटो होता है कि इस नंबर तो हमें वन बनाना है, ये नंबर वन बन जाना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला मोटो होता है। तो ये नंबर वन कैसे बनेगा, अगर रो वन में मतलब चेंज लाना पड़ेगा ये नंबर, तो रो वन इक्वल टू रो वन माइनस रो टू अगर हम लोग कर दें, क्योंकि अगर देखिए टू माइनस वन हो जाएगा, टू माइनस वन हुआ तो दो फायदे होंगे, एक तो टू माइनस वन हुआ तो यहाँ पे वन हो जाएगा, टू माइनस वन हुआ तो यहाँ पे वन हो जाएगा, और वन माइनस वन हुआ तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और हमें यही तो लाना था वन और जीरो, एक साथ दोनों नंबर ठीक हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो देखिए टू माइनस वन दिए तो यहाँ पे वन आ गया, और वन माइनस वन दिए तो यहाँ पे जीरो आ गया, और ये ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ पे वन जीरो जीरो वन तर दें इन टू ए, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये वन तो अच्छा है, देखिए ये वन जीरो, ये वन चाहिए था हमें मिल गया, यहाँ पे वन था, यहाँ जीरो चाहिए था यहाँ पे जीरो मिल जाए, यहाँ पे वन चाहिए था यहाँ पे वन मिल जाए, यहाँ पे जीरो चाहिए लेकिन यहाँ पे वन प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं कि रो टू तो रो वन से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और फिर वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, क्लियर है। तो हमें वो अच्छे से मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया वो चेंज कर देता हूँ, ये गलती आप मत करिएगा, यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए रो वन माइनस रो टू, तो यहाँ पे देखिए आप रो वन माइनस रो टू, क्लियर है। तो रो वन माइनस रो टू जीरो, वन माइनस जीरो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन जीरो माइनस वन तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आप, तो आर वन क्या था, तो आर वन यहाँ पे था, आर वन इक्वल टू आर वन माइनस आर टू था, क्लियर है, यहाँ पे यही था। तो मैंने आर वन में से आर वन माइनस आर टू दिया, मतलब टू माइनस वन दिया, तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे फिर वही दिया आर वन माइनस आर टू, वन माइनस जीरो जीरो आ गया, और आर टू तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इस साइड करूँगा तो इस साइड भी तो मुझे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो इस साइड भी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप वन माइनस जीरो, क्योंकि आर वन माइनस आर टू कर रहा हूँ, तो ये आर वन है तो आर वन माइनस आर टू मतलब वन माइनस जीरो वन ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आर वन माइनस आर टू तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, तो जीरो और माइनस वन तरह तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन आंसर आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आर टू तो ऐसे तैसे ही नोट डाउन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारे पास वन आ गया, इससे जीरो आ गया और वन आ गया, यहाँ पे हमें बस अब इसे जीरो बनाना है, हमारा अब बस यही एम है कि हमें इसे जीरो बनाना है। तो इसे जीरो हम बना सकते हैं, आर टू तो हम लोग जीरो बना सकते हैं, अगर हम उसे आर टू तो आर वन के साथ सबट्रैक्ट कर दें। क्यों ये मेरे दिमाग में आया कि आर वन के साथ सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ देखिए आर टू माइनस आर वन रहें तो जीरो आ जाएगा, पर यहाँ पे आर टू माइनस आर वन रहें तो वन ही रहेगा, तो ये चेंज नहीं आएगा। तो ये भी हमें देखना है, तो ये भी बना रहे, पता चला कि मैं इस तो बनाया था चित्र में ये चेंज कर दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा अगर मैं ऐसा करता कि आर टू माइनस ऑफ माइनस वन, मतलब मान लीजिए मैं ये नहीं लेता, मैं ये ले लेता कि आर टू इक्वल टू आर टू माइनस वन, ये मैं ले लेता, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता, वन जीरो और वन माइनस वन जीरो, ये तो आ जाता, पर यहाँ पे भी वन माइनस वन जीरो हो जाता, बल्कि हमें यहाँ पे तो वन चाहिए ना, यहाँ पे तो वन चाहिए, जो कि हट जाता, यहाँ तो जीरो आ जाता पर यहाँ वन, फिर हमें यहाँ वन बनाना पड़ता, और फिर प्रोसेस मुश्किल होते जाते। तो हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि ये तो ये चेंज ना हो, ये ऐसे था ऐसा ही रहे, तो इसके लिए हम आर टू माइनस आर वन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे वन माइनस वन करेंगे, आर टू माइनस आर वन करेंगे, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये तो आर वन तो ऐसे तैसे ही नोट डाउन होगा, आर टू माइनस आर वन करें तो वन माइनस वन ये जीरो हो गया, लेकिन आर टू माइनस आर वन करें तो वन माइनस जीरो यहाँ पे वन हो जाएगा, क्लियर है आप। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स अब हूबहू ऐसा था ऐसा बन गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे भी हमें इस मैट्रिक्स में भी चेंज होता है, इस मैट्रिक्स में भी चेंज करना है, तो देखिए आप आर टू माइनस आर वन, तो यहीं पे यही पे होगा, देखिए आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे माइनस वन, ये देखिए ये मैट्रिक्स तो ऐसे, ये रो वन तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, रो टू में आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे माइनस वन हो गया, और रो टू में वन, ये देखिए रो टू में ये इस वाले पार्ट, तो रो टू माइनस रो वन, तो वन
माइनस ऑफ माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, यहाँ पे टू आ जाएगा, तो यहाँ पे टू आ गया। अब इन टू ए है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जी ए जब इधर जाएगा तो नीचे रहेगा, ए जब यहाँ से हट से यहाँ जाएगा तो नीचे रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इसे ए तो ऊपर लाने के लिए हम ए इन्वर्स लिख देंगे, ए ऊपर चला जाएगा, वन बाय, देखिए वन बाय ए तो हम लोग ए इन्वर्स लिख सकते हैं, जैसे वन बाय एस तो हम लोग एस इन्वर्स लिख सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही वन बाय ए तो ए इन्वर्स लिख दिया हमने, और हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है, क्या है, वन माइनस वन माइनस वन टू, वन माइनस वन माइनस वन टू, ये हमारा आंसर हो गया ए इन्वर्स। तो आप तो बस इस बात का ध्यान देना कि कौन से रो टू तो रो वन के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, मेन मोटो सबसे पहले ये होना चाहिए कि इस पार्ट पहला जो है उसे वन करो, क्लियर है। उसके बाद मोटो होना चाहिए पूरे एट रो तो वन, मतलब सही फॉर्म मिलाओ, आइडेंटिटी फॉर्म मिलाओ, मतलब वन जीरो मिलाओ, सबसे पहले तो इसे वन तरो तो ये वन में हो गया, तो अब दूसरा एम ये होना चाहिए तो इसे जीरो तरो, तीसरा एम ये होना चाहिए इसे जीरो तरो, फिर चौथा एम ये होना चाहिए इसे वन तरो। देखिए एम इधर उधर भी हो सकता है, पर मेन मोटो हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए कि इसे वन करो, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बनते चले जाएंगे। आप तो अगर सही से आप ऑब्जेक्ट करिएगा तो आप तो आंसर दिखने लगेगा कि अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूँ तो आंसर आ जाएगा, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर आंसर आ जाएगा। तो अगर आप सही से ऑब्जेक्ट करोगे तो फिर आपको आंसर दिखने लगेगा, अगर आप क्या सही से सबसे पहले इसे वन बनाओ और फिर सॉल्व करो, आप तो ए इनवर्स हर क्वेश्चन में ए इनवर्स मिलता जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा।